हाउ आर यू। जैसा कि अभी तक की वीडियोस आप लोगों ने देख रही होगा, तो सबसे पहले आपको बुक्स लेना है, ये है मैथ्स की बुक्स। तो पेरेंट्स प्लीज, आप लोगों ने बुक्स नहीं ली है तो जल्दी जल्दी बुक्स ले लीजिए, ओके। और अब हम आ जाते हैं आज का जो हमारा वीडियो है वो है वीडियो नंबर 13, ओके। वीडियो नंबर 13 है जूनियर के जी में एडिशन, ओके। तो अभी तक मैंने बताया था एडिशन ऑफ जीरो, अब हम बताते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे प्लस करते हैं, मतलब कुछ अगर पिक्चर्स बने तो उसको कैसे जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, ओके। तो जैसे ये बॉल्स को काउंट कराइए बच्चों को, ओके पेरेंट्स, 1 2 3। तो मैंने बॉक्स को कितना लिखा है, 3। अब कह रहा प्लस ये 1, इसमें 1 बॉल और प्लस करना है, तो यहाँ 1 मैंने बॉक्स में लिखा है, इक्वल कितना होगा, तो 3 और 1 को जब प्लस करेंगे कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4, ओके पेरेंट्स। तो फर्स्ट वाला मैंने बता दिया है, ऐसे सेकेंड और थर्ड 4, ये बच्चों से कराइए। देखिए अब ये कितने बॉल्स हैं, 2 1 2, हाउ मेनी बॉल्स, 2। तो यहाँ पर 2, उसके बाद फिर इधर कितने बॉल्स हैं, 1 2, कितने बॉल्स हैं, 2। अब 2 और 2 टोटल कराइए दोनों बॉल्स को, 1 2 3 4, कितने हो जाएंगे, 4, ओके पेरेंट्स। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर देखिए, 1 2 3 4, कितने बॉल्स हैं, 4, ओके। फिर इधर 1 2 3, कितने बॉल्स हैं, 3। तो टोटल कराइएगा 1 2 3 4 5 6 7, कितने बॉल्स हो टोटल, 7, ओके। फिर उसके बाद में आते हैं लास्ट वाला देखिए, 1 2 3 4 5, कितने बॉल्स हैं, 5, ओके। फिर इधर 1 2 3 4, कितने बॉल्स हैं, 4, ओके पेरेंट्स। इसको टोटल कराइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बॉल्स हुए टोटल, 9, ओके पेरेंट्स। तो अब हम आते हैं कॉपी पर, इसको कॉपी में कैसे आपको बनाना है, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि कैसे क्या करना है। तो कॉपी पर मैं बनाई हूँ और वो आपको ऐसे ही बनाना है, बच्चों को कराना है, ओके। तो आइए हम कॉपी पर बताते हैं। ये देखिए पेरेंट्स, जैसे कि मैंने भी बोर्ड पे बताया है, कॉपी पे उसको कैसे बनाना है, कॉपी पे ऐसे बनाइएगा और ये फर्स्ट वाला आप जैसे मैंने बताया सेम ऐसे कर दीजिएगा। फिर सेकंड वाला देखिए, 1 2 2 बॉल्स है, तो यहाँ पर कितना लिखना है, 2। फिर इधर 1 2 2 बॉल्स ये भी है, तो ये अभी इसको प्लस कराइएगा, 1 2 3 4, 2 में 2 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, ओके। ये हुआ, उसके बाद ये देखिए, 1 2 3 4, कितने बॉल्स हैं, 4, और इधर 1 2 3, कितने बॉल्स हैं, 3, तो टोटल कितने होंगे, 7, ओके। फिर यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5, ये बच्चों से कराइएगा पेरेंट्स, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 बॉल्स, और इधर 1 2 3 4, कितने बॉल्स हैं, 4, ओके। तो 5 और 4 को प्लस करेंगे कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो जाएंगे यहाँ, 9, ओके पेरेंट्स। तो अभी नर्सरी से बच्चे जूनियर केजी में गए हैं तो उनको अगर प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए मैंने फर्स्ट एडिशन 0 से दिया था, अब सेकंड एडिशन जो है वो ऑब्जेक्ट्स से मतलब बॉल से दिया है, तो बॉल को गिनने में या काउंट करने में मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी नंबर्स को भी प्लस कराएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अभी बच्चों को पहले ऐसे बताइएगा, तो पेरेंट्स ऐसे ही साफ साफ लिख दीजिएगा और बच्चा लिखेगा। अब हम आते हैं राइटिंग बुक पर। ये देखिए पेरेंट्स, राइटिंग बुक में पेज नंबर 12 एंड 13, तो पहले 12 पर आते हैं। इसको करना क्या है, देखिए पहले समझाया गया है एग्जांपल, करना क्या है इसमें, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपका जो है एग्जांपल है, ठीक है पेरेंट्स, ये एग्जांपल बताया है, इसमें कुछ करना नहीं है, मैंने इसलिए SW डाल दिया ताकि ये समझा रही हूँ आपको पता भी रहे, ओके। इसमें देखिए, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, ओके। जैसे ग्रेटर देन मतलब हमेशा जब नंबर्स को आगे बढ़ाते हैं तो ग्रेटर देन मतलब, देखिए जैसे बटरफ्लाई 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 बटरफ्लाई है ना, और इधर 1 2 3 4, इधर ज़्यादा है, तो मैंने ग्रेटर देन बताया ना, मतलब बढ़ते नंबर को आगे बढ़ते, जब नंबर आगे बढ़ता है मतलब ज़्यादा नंबर होता है तो उधर क्या लगता है, उस साइड क्या लगता है, ग्रेटर देन, ओके। अब लेस देन, लेस देन किधर लगता है, ये देखिए जैसे नंबर्स को मान लीजिए, जैसे ये लेस देन, ये ग्रेटर देन हो गया, लेस देन मतलब इसमें भी ये चीज़ करना है कि जिस साइड का नंबर्स या पिक्चर्स ज़्यादा होंगे आपको उसी साइड के लगाने, ओके, लेस देन, ओके।
तो ये देखिए, इस साइड का जो निशान होता है उसको ग्रेटर देन बोलते हैं और इस साइड का जो निशान होता है उसको लेस देन बोलते हैं। अब देखिए 1 2 3 4, इधर 4 है और इधर 1 2 3 4 5 6, इधर 6 है तो इस साइड का लगाएंगे लेस देन। ओके, अब इक्वल टू, इक्वल मतलब इक्वल देन कैसे लगाते हैं, इक्वल कैसे, इक्वल मिस होता है बराबर, इसको कैसे लगाते हैं ये देखिए। जब कोई भी पिक्चर्स, ये मैंने पहले भी बता दिया है, कोई पिक्चर्स बराबर होते हैं, जैसे इधर देखिए 1 2 3 4, इधर 4 एप्पल है और इधर 1 2 3 4, 4 इधर है तो दोनों साइड के क्या है, बराबर है ना, ये बराबर है तो इसलिए यहाँ कौन सा निशान लग जाएगा, इक्वल का। ओके, ये एग्जाम्पल है आपका पेज नंबर 12 पर, ये एग्जाम्पल बताया है। अब यही चीज़ देखिए पेज नंबर 13 पर करने को दिया है, पेज नंबर 13 पर करने के दिया है, काउंट द पिक्चर्स एंड यूज द करेक्ट साइन लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। मतलब ये चीज़ आपको पिक्चर्स को देख करके, काउंट करा करके लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल लगाना है और बच्चों को ये चीज़ इसमें नोट डाउन कराना है। ओके, अब इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 है और इधर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ज़्यादा है तो इस साइड का लगा है ना, कौन सा देन लगा है, लेस देन। ओके, अब इसी तरह इधर देखिए 1 2 3 और इधर 1 2 3 4 5 6, ये ज़्यादा है, पहले तो काउंट करा के नंबर्स को लिखाइए 1 2 3, ये इधर 3 लिखाइए और इस साइड 1 2 3 4 5 6 6। ओके, तो ये लगाएं। ओके पेरेंट्स, अब इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7, पहले ये काउंट करा के ऑब्जेक्ट्स नंबर लिखवा लीजिएगा बच्चों से, 1 2 3 4, इधर कितना है 4, तो इस साइड का लगेगा। ओके, ग्रेटर देन, अब ये 1 2 3 4 5, कितने हैं 5 ऑब्जेक्ट्स और इधर 1 2 3 4 4 है ये। ठीक है पेरेंट्स, ये जैसा मैं करा रही हूँ ऐसे ही कराइएगा, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6 है। ओके, और इधर 1 2 3 4 ये, ठीक है पेरेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 और 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है 7, ये भी 7 है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है। अब इधर देखिए 1 2 3 4 5, कितने हैं 5 और इधर 1 2 3 4 5 6 7, है ना, तो ये इस साइड के ज़्यादा है ना, इस साइड के हैं तो कौन सा देन लगेगा, लेस देन। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है और इस साइज के ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं 10। ओके, तो इस साइड के नंबर ज़्यादा है ना, 7 ज़्यादा है कि 10, 10 ज़्यादा है ना, तो 10 ज़्यादा है तो ये हम ये साइन लगाएंगे। ओके, तो पेरेंट्स पेज नंबर 13 ये आपको कराना है, पेज नंबर 12 पर एग्जांपल बताया था जो मैंने समझा दिया है और पेज नंबर 13 आपको कराना है, तो जल्दी जल्दी आप लोग बुक्स कॉपीज़ में जो हम लोग दे रहे हैं वो कराइए और कॉपीज़ को भेजिए, हम लोग चेक करें। ओके पेरेंट्स, घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।